अगले वर्ष कनाडा में आम चुनाव होने हैं, इसीलिए खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करके वो अपनी रेटिंग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के 157 सांसदों में से 13 सांसद सिख समुदाय से हैं। इन सिख सांसदों में से 4 सिख सांसद जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में भी शामिल है, यानी एक तरह से जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी सरकार में सिखों की एक अलग मजबूत लॉबी है। इस समय कनाडा की संसद में कुल 18 सिख सांसद हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी कनाडा में बसे भारतीय सिख समुदाय को अपना वोट बैंक मानती है। कनाडा के संसद में भी सिख सांसदों की संख्या बड़ी है। कनाडा में सिख समुदाय का प्रभाव क्या है ये भी आपको बताना जरूरी है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा पंजाबी है। वर्ष 2021 की जनगणना के हिसाब से कनाडा में 2.1% सिख आबादी है। कनाडा में करीब 7.5 लाख सिख रहते हैं। हालांकि कनाडा की राजनीति में सिखों का प्रभाव अपनी आबादी की तुलना कहीं ज्यादा है। इसकी कई वजह है। जैसे पहली वजह यह है कि कनाडा में सिख समुदाय एक मजबूत वोट बैंक है। दरअसल कनाडा में ज्यादातर वोटर जाति, धर्म या समुदाय के नाम पर वोट नहीं करते हैं। वो लोग स्थानीय मुद्दों को महत्व देते हैं, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो एक साथ वोट करते हैं। कनाडा का सिख समुदाय बहुत एकजुट है, इसीलिए चुनावों में ये समुदाय एक साथ किसी खास उम्मीदवार या पार्टी को वोट करता है। दूसरी वजह यह है कि कनाडा में सिख समुदाय की वजह से कई गुरुद्वारे हैं। वहां ज्यादातर गुरुद्वारों का संचालन खालिस्तान समर्थक करते हैं। कनाडा के गुरुद्वारों में बड़े पैमाने पर चंदा आता है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को उम्मीद है कि इन गुरुद्वारों से उनके चुनावी कैंपेन के लिए पैसा मिल सकता है, इसीलिए वो खालिस्तानी विचारधारा का विरोध नहीं करते। तीसरी वजह यह है कि कनाडा का चुनावी सिस्टम अलग है। कनाडा के चुनावी सिस्टम के हिसाब से अगर किसी उम्मीदवार को पार्टी का टिकट चाहिए तो उसको अपने चुनाव क्षेत्र के कई मतदाताओं से समर्थन पत्र लेना होता है। जो भी उम्मीदवार ज्यादा समर्थन जुटा लेता है उसे ही पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है। कनाडा का सिख समुदाय एकजुट है, इसीलिए कोई भी उम्मीदवार उनके क्षेत्र से समर्थन पत्र ला सकता है, बशर्त है वो सिख समुदाय के हिसाब से काम करे। जस्टिन ट्रूडो भी ये बात जानते हैं। ये वो कारण है जो सिखों को कनाडा में शक्तिशाली समुदाय बनाता है। लिबरल पार्टी की सरकार चला रहे जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक गणित सिख समुदाय से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो सिखों को नाराज नहीं करना चाहते। भारत का विरोध करने वाले खालिस्तानी समर्थक भी इस श्रेणी में शामिल है। जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तानी समर्थकों को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। कनाडा में सिख समुदाय का वहां की सरकार पर कितना प्रभाव है ये हम आपको कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। पहला उदाहरण है कनाडा में मंदिरों पर हुए हमले। पिछले करीब 2 वर्षों में कनाडा के कई हिंदू मंदिरों पर 12 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इसमें ज्यादातर हमलावर खालिस्तानी समर्थक ही रहे हैं। इन मंदिरों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे जाते रहे हैं। दूसरा उदाहरण है भारतीय दूतावास पर हुए खुले हमले। भारतीय दूतावास पर भी खालिस्तानी समर्थकों ने कई हमले किए हैं। इन घटनाओं की शिकायत भारत सरकार कनाडा से करती रही है, लेकिन इन शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तीसरा उदाहरण है खालिस्तान रेफरेंडम पर समर्थन देना। कनाडा सरकार खालिस्तान रेफरेंडम को अभिव्यक्ति की आजादी मानती रही है, जबकि भारत सरकार इस पर विरोध जताती आई है। कई शिकायतों के बावजूद खालिस्तान रेफरेंडम पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौथा उदाहरण है भारत के किसान आंदोलन में जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी। किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला था। जस्टिन ट्रूडो को अपने देश में सिख समुदाय का समर्थन हासिल करना था, इसीलिए उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा था कि वो भारत के किसान आंदोलन को लेकर बहुत चिंतित हैं। आपको यहां बताना जरूरी है कि किसान आंदोलन में खालिस्तान से जुड़े कई पोस्टर भी नजर आए थे, जिसके बाद माना गया कि इस आंदोलन को खालिस्तान का समर्थन हासिल है। पांचवा उदाहरण है कनाडा की वर्ष 2005 की पब्लिक रिपोर्ट ऑन द टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा। इस रिपोर्ट में पहली बार बताया गया था कि खालिस्तान चरमपंथ कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि इस रिपोर्ट का जस्टिन ट्रूडो के सिख सांसदों ने कड़ा विरोध किया था।
इन सिख सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो पर इस तरह से दबाव बनाया कि आखिरकार इस रिपोर्ट में ही बदलाव कर दिया गया। अप्रैल 2019 में वैसाखी त्योहार में भाग लेने से पहले ट्रूडो सरकार ने एक नई रिपोर्ट जारी की जिसमें खालिस्तान शब्द को हटा दिया गया। यहां आपको जानना जरूरी है कि वर्ष 2019 में ही कनाडा में चुनाव होने थे और 2019 चुनाव में ही सबसे ज्यादा सिख सांसद जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी से ही जीते थे। वैसे कनाडा की राजनीति को वंशवाद के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन शायद जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वंशवाद का जीता जाता उदाहरण है। खालिस्तानी विचारधारा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना उन्हें अपने पिता से ही राजनीतिक विरासत के तौर पर मिला है। कनाडा के पत्रकार टेरी मिलुस्की ने वर्ष 2021 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट। इसमें लिखा है कि वर्ष 1982 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उस समय इंदिरा गांधी ने उनसे खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन लेने की बात कही थी। ये वो दौर था जब कई खालिस्तानी समर्थक कनाडा भाग रहे थे क्योंकि भारत में इनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो रहा था, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पिता ने इंदिरा की अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की थी और कनाडा ने कुछ साल बाद कनिष्क विमान हमले के तौर पर खामियाजा भी भुगता था। ये कनाडा पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। Within the Khalistani community in Canada, which, as you know, is large and very active, this was not some local gangland killing as it first appeared, but rather that it was a state-sponsored assassination by the Indian government. Now, they were not able to produce any evidence of this, which didn't stop them making the accusation loudly and often. वर्ष 1982 में इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो से बब्बर खालसा के आतंकी तलविंदर परमार को एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण की मांग की थी। तलविंदर पर दो भारतीय पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था, लेकिन पियर ट्रूडो ने इस मांग को खारिज करते हुए मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत इंग्लैंड की रानी को सिर्फ कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष मानता है लेकिन भारतीय गणराज्य का मुखिया नहीं मानता, इसीलिए कनाडा और भारत के बीच में प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसीलिए हम तलविंदर सिंह को नहीं सौंप सकते। आगे चलकर बब्बर खालसा का यही आतंकी तलविंदर सिंह कनिष्क विमान हमले का मुख्य साजिशकर्ता बना। देखा जाए तो भारत में खालिस्तानी विचारधारा वाले लोग लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन कनाडा के प्रवासी सिख भारतीयों में अभी खालिस्तानी विचारधारा मौजूद है। कनाडा के खालिस्तानी समर्थक कई दशक पहले कनाडा पहुंचे थे, लेकिन तब से लेकर अब तक उन्होंने कनाडा की नागरिकता तो ले ली लेकिन उसे अपना देश नहीं माना, बल्कि वो खालिस्तान जैसे नए देश की परिकल्पना में जीवन बिता रहे हैं। इससे पता चलता है खालिस्तान समर्थकों में किसी देश के प्रति वफादारी नहीं है, बल्कि वो अपने किसी सपने में जी रहे हैं। हालांकि भारत के कड़े रुख के बाद अब जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अब कहा है कि वो भारत को उकसाना और तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार खालिस्तानी प्रदर्शनों को लेकर कभी गंभीर नहीं रही, वो इसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देती रही है। किसी भी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत के टुकड़े करने वाले विचारधारा को बढ़ावा देना किसी भी तरह से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी देश के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप वो भारत पर लगा रहे हैं, उस मामले की जांच अभी चल रही है, रिपोर्ट नहीं आई है। कनाडा की जांच एजेंसियां इस मामले में अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बावजूद इसके जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत पर हत्या का आरोप लगा दिया। इस जल्दबाजी का सीधा मतलब यही है कि वो चुनाव से पहले सिख समुदाय को अपने पाले में करना चाहते थे। जहां तक बात अभिव्यक्ति की आजादी के सम्मान की है, तो हम आपको यहां दो ऐसे उदाहरण देना चाहते हैं जिससे अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करने वाले जस्टिन ट्रूडो की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। इसका पहला उदाहरण मिलता है वर्ष 2016 में, एल्बो गेट के नाम से जो बहुत फेमस है। वर्ष 2016 में कनाडा की संसद में एक बिल पर वोटिंग होनी थी, लेकिन विपक्ष ने इस बिल पर
और अधिक बहस करवाने जाने की मांग की। इसकी वजह से इस बिल पर वोटिंग में देरी हो गई। इस देरी की वजह से जस्टिन ट्रूडो नाराज हो गए। जस्टिन ट्रूडो अपनी सीट से उठे और विपक्षी दल की तरफ जाकर विपक्षी सांसद गॉर्ड ब्राउन का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगे। तभी विपक्ष की महिला सांसद रुथ एलन ने बीच बचाव की कोशिश की तो ट्रूडो ने उन्हें कोहनी मारकर धकेल दिया। कनाडा के संसद में जस्टिन ट्रूडो की इस हरकत का काफी विरोध हुआ, लेकिन जल्दी ही वो अपनी गलती भांप गए। उन्होंने सदन से माफी मांगी, जिसकी वजह से वो सदन की कार्यवाही से बच गए। दूसरा उदाहरण मिलता है वर्ष 2022 के ट्रक प्रोटेस्ट से। वर्ष 2022 में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा से अमेरिका जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक नया नियम निकाला, जिसके तहत हर ड्राइवर को कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया था। कनाडा के ज्यादातर ड्राइवर सिख समुदाय से हैं। इस नियम का विरोध करते हुए इन ड्राइवर्स ने ओटावा शहर की सड़कों पर ट्रक लाकर छोड़ दिए थे। जस्टिन ट्रूडो इस प्रदर्शन से इतने घबरा गए कि वो ओटावा शहर छोड़कर अपने गुप्त ठिकाने पर चले गए। यही नहीं, इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों की पहचान करते हुए उनके बैंक अकाउंट तक सील कर दिए गए थे। इससे यही पता चलता है कि जब कनाडा में विरोध प्रदर्शन किसी अन्य देश की सरकार के खिलाफ होता है तो जस्टिन ट्रूडो उसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, लेकिन जब यही विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ होता है तो वो असहिष्णु हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं।